नमस्कार, मैं डॉक्टर अल्पना सिंह, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय से। आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है वार्ता स्थल, घटना स्थल से रिपोर्टिंग, चलते चलते साक्षात्कार और खबर। इसके साथ ही हम साक्षात्कार विषय पर विस्तार से चर्चा करके यह जानेंगे कि साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, इसके प्रकार, जिसमें विशेष रूप से चलते चलते साक्षात्कार पर ध्यान केंद्रित करेंगे, साक्षात्कार लेने की कला पर भी प्रकाश डालते हुए साथ में घटना स्थल रिपोर्टिंग की बारीकियों पर चर्चा करेंगे। इसके उद्देश्य हैं साक्षात्कार को समझना, साक्षात्कार के प्रकार को जानना, घटना स्थल से रिपोर्टिंग की विधि को समझना, साक्षात्कार लेने की कला सीखना और चलते चलते साक्षात्कार लेना सीखना। साक्षात्कार का अर्थ और परिभाषा। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच बातचीत एवं विचारों का आदान प्रदान साक्षात्कार या इंटरव्यू कहलाता है। इसमें एक या कई व्यक्ति किसी एक या कई व्यक्तियों से प्रश्न पूछते हैं और वह व्यक्ति इन प्रश्नों के उत्तर देता है या इन पर अपनी राय व्यक्त करता है। इस उत्तर या राय को सूचना के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। विविध विषयों में शोध करने के लिए तथ्यात्मक सूचनाओं की आवश्यकता होती है। ये सूचनाएं विविध विधियों द्वारा प्राप्त की जाती हैं। इन विधियों में प्रश्नावली विधि के साथ ही साक्षात्कार विधि को प्रमुख माना जाता है। श्री पी एम पामर के अनुसार साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति है जिसमें अंतर्निहित मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत यह आवश्यक है कि दोनों व्यक्ति परस्पर उत्तर प्रतिउत्तर करते रहें। यद्यपि साक्षात्कार के सामाजिक शोध के उद्देश्य में संबंधित पक्षों से अध्ययन के विषय के संबंध में काफ़ी कुछ विविध उत्तर प्राप्त होने चाहिए। श्री के पी नारायण ने साक्षात्कार के व्यावहारिक पक्ष के बारे में लिखा है कि जिस व्यक्ति से आपको साक्षात्कार करना है उस व्यक्ति के बारे में किसी ऐसे व्यक्ति से जो उसे जानता हो जितनी भी मिल सके उतनी जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। उसका नाम ठीक से उतारिए और उसका उच्चारण ठीक से कीजिए। फिर जिस विषय के सिलसिले में आप साक्षात्कार चाहते हों उस विषय के संबंध में जितनी हो सके उतनी जानकारी हासिल कीजिए। इस विषय के संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति से पूछिए जो उसका जानकार हो और फिर किसी संदर्भ ग्रंथ में उस विषय पर जो लिखा हो उसे पढ़ लीजिए। इससे आप ठीक ठाक प्रश्न पूछ सकेंगे और कोई बात छूट नहीं पाएगी। समाप्ति से पूर्व तथ्यों का सरसरी तौर पर सत्यापन कर लीजिए। इस प्रकार साक्षात्कार एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो पत्रकारिता के क्षेत्र में नवीन निष्कर्ष प्राप्ति में सहायक है। टेलीविजन पर दर्शकों को सभी खबरें एक समान ही दिखती हैं, लेकिन रिपोर्टर के लिए ये अलग मायने रखती हैं। एक रिपोर्टर हर खबर को कवर नहीं करता। न्यूज़ कवर करने के लिए रिपोर्टर के क्षेत्र, जिसे तकनीकी भाषा में बीट कहा जाता है, बटे होते हैं और वे अपने निर्धारित विभाग के लिए ही काम करता है। साक्षात्कार के मुख्य उद्देश्य। साक्षात्कार एक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। अलग अलग उद्देश्यों से साक्षात्कार लिए जाते हैं। उद्देश्य के अनुसार साक्षात्कार की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इस विधि के माध्यम से किसी औपचारिक विषय पर आमने सामने होकर एक उद्देश्यपूर्ण बातचीत की जाती है। साक्षात्कार और व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा ही पत्रकार समाचार की व्यापक जानकारियाँ प्राप्त करता है। इसके साथ ही पत्रकार समाचारों से संबंधित अधिकारी से पक्ष विपक्ष, गुण दोष और जनमत के प्रभाव की ठोस बातें ज्ञात करता है। बहुत से विषयों के कई ऐसे पक्ष होते हैं जिनकी सही जानकारी के लिए उक्त संबंधित व्यक्ति से बात करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वही व्यक्ति इस विषय को निष्पक्षता से सामने ला सकता है। साक्षात्कार के समय ध्यान रखने योग्य बातें। साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच होने वाला द्विपक्षीय संवाद है। साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति
समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों से मुलाकात करता है और उनके जीवन, रुचियों, घटनाओं, विचारों, प्रेरणा स्रोतों आदि के संबंध में प्रश्न पूछता है और प्राप्त उत्तरों को लिपिबद्ध भी करता है। घटना के अनुसार विभिन्न क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ ही निम्न व्यक्तियों के साथ, सामान्य महिला एवं पुरुष, स्थानीय नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि के भी साक्षात्कार की आवश्यकता होती है। साक्षात्कारकर्ता की कुशलता ही साक्षात्कार की सफलता पर आधारित होती है। इसलिए यह आवश्यक है कि साक्षात्कार समिति के सदस्यों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाए। साक्षात्कारकर्ता को योग्य होना चाहिए। उसमें प्रत्यक्षीकरण की तीक्ष्णता, परिवर्तनशीलता, समायोजनशीलता तथा विविध साक्षात्कार लेने का अनुभव भी होना चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कारकर्ता में साक्षात्कार कला में विशिष्ट प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए। इसके बिना साक्षात्कारकर्ता साक्षात्कार को सफलतापूर्वक संपन्न नहीं कर सकता है। साक्षात्कार के लिए सर्वप्रथम जिस व्यक्ति का चुनाव करें उसकी रुचियों और कार्य क्षेत्र के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लेना हो उसके कार्य क्षेत्र के अनुसार प्रश्नावली तैयार कर लेनी चाहिए। साक्षात्कार चूंकि प्रत्यक्ष विधि पर आधारित है अतः इसमें उत्तरदाता के पास इतना अवकाश नहीं होता कि वह झूठे आंकड़े दे सके। साक्षात्कारकर्ता द्वारा अगला प्रश्न पूछने से पहले उसे उत्तर दे देना होता है। इस कारण कभी कभी उत्तर जल्दी देने की बाध्यता भी होती है, इसलिए उत्तर गलत दिए जाने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए साक्षात्कार करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार से पहले निर्देशिका बना लेनी चाहिए। निर्देशिका एक लिखित प्रारूप होती है जिसमें समस्या के विभिन्न पहलुओं का क्रमबद्ध रूप अंकित होता है। इससे साक्षात्कार चरणबद्ध रूप से आगे बढ़ता है। साक्षात्कार के समय साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पहले से ही बनाकर तैयार कर लेने चाहिए। इससे समय का सदुपयोग होता है। साक्षात्कारकर्ता को जो प्रश्न पूछने हैं उन प्रश्नों से उत्तरदाता को पहले ही अवगत करा देना चाहिए, जिससे वह पहले से ही उत्तर की तैयारी कर ले। प्रश्न बहुत अधिक लंबे ना होकर संक्षिप्त और विषय पर केंद्रित होने चाहिए। निम्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साक्षात्कार के समय भाषा पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और उसकी क्षमता के अनुसार ही प्रश्न को सामान्यीकृत करके पूछना चाहिए। चूंकि साक्षात्कार में दो पक्ष आमने सामने बातचीत करते हैं इसलिए इसमें शब्दों का बहुत महत्व होता है। इसके साथ ही भाव भंगिमाएं भी साक्षात्कार के निष्कर्षों को प्रभावित करती हैं, क्योंकि इसी के आधार पर साक्षात्कारकर्ता तथ्यों का विश्लेषण करता है और अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचता है। साक्षात्कार द्वारा सूचना प्राप्त करना एक कौशल है। इसके लिए भाषा पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके साथ ही साक्षात्कारकर्ता को अपने अध्ययन विषय की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिससे वह प्रश्नों का ठीक से निर्माण कर सके और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद से बच सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि साक्षात्कारकर्ता को समय और स्थान का चयन संवाददाता की सुविधा के अनुसार उसकी अनुकूल जगह पर करना चाहिए। रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग दो प्रकार की होती है। एक तो जनरल रिपोर्टिंग या रूटीन रिपोर्टिंग कहलाती है, जिसमें मीटिंग, भाषण, समारोह जैसे कार्यक्रम कवर किए जाते हैं। दूसरी होती है खास रिपोर्टिंग। खास रिपोर्टिंग का दायरा काफ़ी बड़ा है। इसमें राजनीति, व्यापार, अदालत, खेल, अपराध, कैंपस, कॉलेज, विश्वविद्यालय की गतिविधियां आदि, स्थानीय निकाय, फिल्म, संस्कृति और खोजपरक इन्वेस्टिगेटिव गतिविधियां आती हैं। राजनीतिक रिपोर्टिंग।
राजनीतिक रिपोर्टिंग के तहत पार्टियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस, संसद, विधानसभा, मंत्रालय, राजनीतिक पार्टियां और उसके नेता, राजनयिकों और दूसरे देशों की राजनीतिक गतिविधियों पर नज़र रखी जाती है। आम तौर पर राजनीतिक रिपोर्टिंग का जिम्मा वरिष्ठ पत्रकारों को सौंपा जाता है। व्यापार और आर्थिक खबरों को कवर करने वाले रिपोर्टरों के लिए यह ज़रूरी है कि उन्हें अर्थशास्त्र, कॉमर्स की अच्छी समझ हो। अर्थव्यवस्था से जुड़ी तकनीकी बातें आम लोगों से जुड़ी होती हैं, लेकिन लोगों को इसका सही ज्ञान नहीं होता है। सरकार का कौन सा कदम लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और कौन सा नुकसान पहुंचाने वाला, सरकार की आर्थिक नीतियों का आने वाले दिनों में क्या असर होगा, इसे आसान भाषा में वही रिपोर्टर पहुंचा सकता है जिसकी आर्थिक पहलुओं पर पकड़ मजबूत होगी। अर्थशास्त्र की जानकारी रखने वाले विद्यार्थियों के लिए बिजनेस रिपोर्टर बनना एक बढ़िया विकल्प है। अदालत, बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जिनके स्रोत अदालतें होती हैं। अदालत में कई प्रकार के ऐसे मामले दायर होते हैं या फैसले होते हैं जिनका आम आदमी की जिंदगी से भले ही कोई सरोकार ना हो, लेकिन उसे जानने की जिज्ञासा सभी लोगों में होती है। इसलिए अदालत की खबरों को कवर करने का जिम्मा ज़्यादातर ऐसे रिपोर्टर को सौंपा जाता है जिसे कानून की जानकारी हो। कानून की पढ़ाई कर चुके विद्यार्थियों के लिए कोर्ट की रिपोर्टिंग आसान होती है। अदालती खबरों को कवर करने से पहले रिपोर्टर को अदालत की अवमानना का कानून अच्छी तरह जान लेना चाहिए। खेलों में आमतौर पर सभी की दिलचस्पी होती है और खेल टीवी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। ये एक ऐसा विषय है जिसमें अमूमन सभी लोगों की रुचि होती है। ये जरूरी नहीं है कि खेल पत्रकार बनने के लिए रिपोर्टर खुद भी खिलाड़ी हो, लेकिन यह जरूरी है कि रिपोर्टर को क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और टेनिस जैसे लोकप्रिय खेलों की बारीक समझ होनी चाहिए। उसे खेलों के तकनीकी शब्द का भी भरपूर ज्ञान होना चाहिए और दुनिया भर में होने वाले खेल टूर्नामेंट पर उसकी बराबर नज़र होनी चाहिए। परवेज अहमद कहते हैं कि खेल दरअसल भरपूर एक्शन है, इसलिए इस क्षेत्र के रिपोर्टर को भी ज़्यादा एक्टिव हो रहने की ज़रूरत होती है। अच्छा खेल रिपोर्टर वही है जो हर खेल की बारीकी को समझता है, साथ ही खेल की तकनीकी, खिलाड़ियों, खेल जगत और उसके बदलते माहौल, खेल प्रशासन और खेल सियासत पर भी उसकी पैनी नज़र होनी चाहिए। अपराध की खबरों को कवर करने वाले रिपोर्टर से आईपीएस, सीआरपीएस की जानकारी रखने की उम्मीद की जाती है। साथ ही जरूरी है कि पुलिस प्रशासन में भी उसकी अच्छी पैठ हो। कैंपस, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, स्थानीय निकाय, नगर निगम, नगर पालिका आदि की खबरों को कवर करने का जिम्मा कम अनुभवी रिपोर्टर को सौंपा जाता है। ज़्यादातर नए रिपोर्टर इन्हीं विभागों का चक्कर लगाकर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। फिल्म और सांस्कृतिक गतिविधियाँ खास रिपोर्टर कवर करते हैं। इस फील्ड में काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टर को सिनेमा और टीवी के एंटरटेनमेंट में जुड़ी तमाम बातों की जानकारी हो। फिल्मों या टीवी सीरियलों में काम करने वाले हीरो हीरोइन सेलिब्रिटी होते हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की इन पर नज़र होती है और इनकी हर छोटी बड़ी बातों में लोगों की रुचि भी होती है। इसके अलावा देश विदेश के संगीत, नृत्य और दूसरी सांस्कृतिक गतिविधियों की बारीक से बारीक जानकारी भी आवश्यक है। सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और लोगों का इनसे मनोरंजन होता है। इसी से जुड़ा एक और क्षेत्र है लाइफ स्टाइल और फैशन, जिस पर पैनी नज़र रखने वाला रिपोर्टर अच्छा नाम कमा सकता है। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग, खास रिपोर्टिंग में खोज परक रिपोर्टिंग सबसे चुनौती भरा काम है।
इसके जरिए रिपोर्टर पर्दे के पीछे की असली कहानी लोगों के सामने लाता है। इसमें सार्वजनिक जगहों, संस्थाओं में जारी भ्रष्टाचार या ऐसे मामले आते हैं जिसमें ज़्यादातर लोगों की रुचि हो। आमतौर पर इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, अपराध और विकास से जुड़े मामले शामिल होते हैं। दूसरी रिपोर्टिंग से इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग इस मायने में भी अलग है क्योंकि इसमें परिस्थितियां थोड़ी अलग होती हैं। सब कुछ चुपचाप होता रहता है और आरोपी की कोशिश होती है कि वो कोई सबूत ना छोड़े। इसमें सवाल पूछने का तरीका भी अलग होता है। खबर निकालनी हो तो आरोपी से सीधे प्रश्न नहीं पूछ सकते कि आप घूस लेते हैं या नहीं। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में आम रिपोर्टिंग से ज़्यादा समय, संसाधन और ताकत खर्च करनी पड़ती है क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि एक या दो बार की कोशिश में ही रिपोर्टर पूरी खबर निकाल लाए। साथ ही इसमें सारी जानकारी रिकॉर्ड करनी पड़ती है ताकि सबूत पुख्ता हों। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग का ही एक रूप स्टिंग ऑपरेशन भी है। टेलीविजन में स्टिंग ऑपरेशन रिपोर्टिंग का सबसे आधुनिक तकनीक है और ये खबरों की सच्चाई से लोगों को रूबरू कराने का सबसे प्रभावशाली जरिया भी है। ये वो माध्यम है जिसके जरिए समाज के सफ़ेदपोश लोगों, बड़े नेताओं, अफसरों, सेलिब्रिटीज़ के काले चेहरे उजागर होते हैं। स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्टर स्पाई या छिपे हुए कैमरे का इस्तेमाल करता है और टारगेट व्यक्ति को इसकी जानकारी नहीं होती कि वह जो कुछ बोल या कर रहा है वो सब कुछ गुपचुप तरीके से कैमरे में कैद भी हो रहा है। कई तरह के स्पाई कैमरे बाजार में मिलते हैं। इन्हें कलम, टाई से लेकर बटन तक में छिपाकर रिपोर्टर अपने साथ ले जा सकता है। भारत में स्टिंग ऑपरेशन की शुरुआत तहलका नाम की एजेंसी ने की थी। इसने बीजेपी में चंदा के नाम पर लाखों रुपए लेने का भंडाफोड़ किया और पार्टी के अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण को पद छोड़ना पड़ा था। अलग अलग न्यूज चैनलों में अब तक कई स्टिंग हो चुके हैं। इसमें आज तक का ऑपरेशन दुर्योधन, स्टार न्यूज़ का ऑपरेशन चक्रव्यूह, IBN 7 का ऑपरेशन माया, NDTV का ऑपरेशन BMW खास माना जा सकता है। ऑपरेशन दुर्योधन और ऑपरेशन चक दे स्टिंग ऑपरेशन के सबसे अच्छे उदाहरण हैं। ऑपरेशन चक दे में रिपोर्टर ने इंडियन हॉकी फेडरेशन के अधिकारियों को पैसा लेकर खिलाड़ियों का चुनाव करते हुए पकड़ा था और इसका नतीजा यह निकला कि फेडरेशन के अध्यक्ष KPS गिल और आरोपी अधिकारियों को पद से हटना पड़ा। कोबरा पोस्ट और आज तक ने स्टिंग ऑपरेशन दुर्योधन के जरिए संसद में सवाल पूछने के लिए सांसदों द्वारा घूस लेने का भंडाफोड़ कर देश की राजनीति में तहलका मचा दिया था। इस खबर के बाद संसद से 11 सांसदों की सदस्यता भी जाती रही थी। कोबरा पोस्ट और आज तक ने भले ही इस खबर को ब्रेक किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये खबर रिपोर्टर के पास कैसे पहुंची होगी? निश्चित रूप से इस खबर को बाहर लाने के लिए रिपोर्टर ने खुफिया तकनीक का असरदार इस्तेमाल किया। सबसे पहले सांसदों के निजी सचिवों या करीबी लोगों से उनके बारे में जानकारी इकट्ठी की, यह पता किया कि सवाल पूछने के लिए सांसद पैसा लेते हैं या नहीं। प्रारंभिक सूचना तो निजी सचिव या कर्मचारियों से मिल गई, लेकिन कई रिपोर्टर के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसे साबित करने की थी। इसके अलावा उसने स्पाइक कैमरे का इस्तेमाल किया। उसने सबसे पहले सांसदों को लिखित सवाल दिए और स्पाइक कैमरे के जरिए सवाल को पढ़कर रिकॉर्ड किया ताकि साबित हो कि संसद में पूछा जाने वाला सवाल रिपोर्टर ने ही दिया है। फिर सवाल को संसद में भिजवाया। इस काम के लिए सांसदों को इस तरह पैसे दिए कि लेन देन स्पाई कमरे में रिकॉर्ड हो जाए। फिर रिपोर्टर ने संसद में सवाल का जवाब आने तक इंतजार किया। सांसद को सवाल देने, उसे संसद में सवाल पूछने के लिए पैसा देने और उसका जवाब आने तक एक सर्कल पूरा हुआ।
रिपोर्टर को इस काम में 7-8 महीने लगे और लोगों तक इस खबर को पहुंचाने के लिए रिपोर्टर को तब तक इंतज़ार करना पड़ा। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग या स्टिंग ऑपरेशन में रिपोर्टर को जासूस की तरह काम करना पड़ता है। आमतौर पर वह यह नहीं बताता कि वह रिपोर्टर है, बल्कि वह जिस खबर को कवर कर रहा होता है उससे जुड़ी किसी काल्पनिक संस्था का प्रतिनिधि बन जाता है। ऑपरेशन दुर्योधन के रिपोर्टर एक काल्पनिक व्यापार संगठन के प्रतिनिधि बनकर सांसदों से मिले, तो ऑपरेशन चकदे के रिपोर्टर एक काल्पनिक खेल संगठन के प्रतिनिधि बन गए। टीवी न्यूज़ में स्टिंग ऑपरेशन शुरू होने से ही विवाद में रहा है और इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते रहे हैं। 2007 में एक चैनल ने दिल्ली में एक स्कूल टीचर का स्टिंग ऑपरेशन दिखाया था, जिसकी विश्वसनीयता को लेकर खासा बवाल हुआ। इस घटना के बाद सभी चैनलों ने स्टिंग ऑपरेशन के लिए अपने नियम कड़े कर दिए। बड़े चैनलों में स्टिंग ऑपरेशन के लिए अब एडिटर की सहमति जरूरी है। कई चैनल ने तो स्टिंग ऑपरेशन के लिए बाकायदा सर्कुलर जारी कर गाइडलाइन तय कर दी है और जूनियर रिपोर्टरों से स्टिंग ऑपरेशन कराने या उन्हें स्पाई कैमरा इस्तेमाल करने की मनाही कर दी गई है। चलते चलते साक्षात्कार से तात्पर्य उस साक्षात्कार से है जिसमें साक्षात्कारदाता के पास समय का अभाव होता है और वह अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय निकालकर आवागमन के समय में ही साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के उत्तर देता है। इस प्रकार के साक्षात्कार मुख्यतः समाज के बहुप्रतिष्ठित वर्ग के व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके लिए समाज के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ या उन विशेष सामाजिक व्यक्तियों के साक्षात्कार की बहुत आवश्यकता हो जाती है। जनता अपने प्रतिनिधियों से उस घटना या विषय पर उसके विचार जानना चाहती है, किंतु उस जन प्रतिनिधि के पास समय का अभाव होता है। तब साक्षात्कारकर्ता उसकी व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ समय लेकर चलते चलते अपना साक्षात्कार पूर्ण कर लेता है। यह साक्षात्कार हेलीकॉप्टर, व्यक्तिगत विमान, चार पहिया वाहन अथवा जलयान में किए जाते हैं। साक्षात्कार की अवधि साक्षात्कारदाता द्वारा किए जा रहे सफ़र पर निर्धारित होती है। जितना लंबा सफ़र होता है उतना ही लंबा साक्षात्कार चलता है। चलते चलते साक्षात्कार लेने के लिए साक्षात्कारकर्ता में कुछ विशेष योग्यताओं का होना आवश्यक है। उसे इस प्रकार प्रश्नों की रूपरेखा बनानी चाहिए कि यदि समय कम हो तब भी वह मूल तथ्यों की सत्यता तक पहुँच सके। इसके साथ ही समय के अनुसार ही रूपरेखा बदलने की क्षमता भी उसमें होनी चाहिए। कभी कभी ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति में भी साक्षात्कारकर्ता को और अधिक समय मिल जाता है, तब उसे समय का सदुपयोग करते हुए और आवश्यक जानकारियां लेने का प्रयास करना चाहिए। यह साक्षात्कारकर्ता की योग्यता पर निर्भर करता है कि वह चलते फिरते समय से निकले हुए साक्षात्कार को कितना अधिक उपयोगी बना सकता है। ऐसे साक्षात्कारों द्वारा कभी कभी बहुत मनोरंजक जानकारियां भी निकलकर सामने आ जाती हैं, जो दर्शकों व पाठकों का ज्ञानवर्धन तो करती ही हैं, साथ ही उन्हें बीते समय की बहुत सी पिछली अन कही बातों से भी परिचय कराती हैं। सॉफ्ट स्टोरीज की रिपोर्टिंग स्क्रिप्ट करना किसी भी पत्रकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जब यह स्क्रिप्टिंग और रिपोर्टिंग NDTV जैसे ब्रांड के लिए किए जाती हो तब यह मुश्किलें कुछ अग्नि परीक्षा से कम नहीं होती हैं, खासकर वह रिपोर्टिंग जो खबर देश दुनिया की राजनीति से जुड़ी हो। भले ही TRP की रेटिंग में NDTV पिछले पायदान पर है, किंतु पैकेजिंग के मामले में NDTV को कोई चुनौती नहीं है। चाहे वह न्यूज़ हो, करंट अफेयर प्रोग्राम हो, मनोरंजन, खेल जगत, फीचर बेस्ड सामरिक कार्यक्रमों का प्रस्तुतीकरण, ह्यूमन इंटरेस्ट स्टोरी या प्राइम टाइम शो के डिबेट, इसलिए बुद्धिजीवी पैकेजिंग के मामले में NDTV जैसे ब्रांड को ही पसंद करते हैं। मुंबई के NDTV के पत्रकार
प्रसाद गाथे एक ऐसा नाम जो एक खबर के जड़ तक पहुंचता है, खबर के कई पहलू को तराशता है, एक खबर की टीवी न्यूज़ चैनल को परिभाषा में कई पहलू होते हैं और उसको बेहतर ढंग से दर्शकों को परोसना ही एक टीवी रिपोर्टर की कसौटी होती है। मुंबई के NDTV के पत्रकार प्रसाद काथे की रिपोर्टिंग देखने वाला एक खास दर्शक वर्ग है और यही प्रसाद की USP है। प्रसाद ने ETV मराठी क्षेत्रीय चैनल के जरिए टीवी पत्रकारिता की शुरुआत की, सहारा समय के जरिए हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा, काफ़ी समय सहारा समय में काम किया, महाराष्ट्र लोकसभा आयोग घोटाला, 10वीं 12वीं कक्षा के मार्कशीट का गड़बड़ झाला जैसे गंभीर मसले को प्रसाद ने सहारा समय में उठाया। खबर राजनीति से जुड़ी हो या सामाजिक सरोकार से, प्रसाद ने दमखम के साथ रिपोर्टिंग की। इसके बावजूद काथे को महाराष्ट्र और देश दुनिया के दर्शकों के बीच खास पैठ बनी, वो केवल NDTV के ही जरिए। मूल रूप से मराठी होने के बावजूद प्रसाद ने हिंदी पर अच्छी पकड़ बनाई। काथे को राजनीतिक फीचर बेस एवं सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें कवर करने और प्रस्तुत करने में महारत हासिल है। एक परिपक्व टीवी पत्रकार की सभी खूबियां प्रसाद में हैं। खबर को दर्शकों तक आसान सरल भाषा में पहुंचाने और समझने के लिए प्रसाद रिपोर्टिंग स्क्रिप्टिंग में मुहावरा, कहावत, जुमले आदि का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि NDTV की खास पहचान है। P2C के जरिए प्रसाद खबरों का लब्बो लुआब दर्शकों को समझा देते हैं, जहां जरूरत है वहां जिरह भी करते हैं ताकि खबर को इंसाफ मिल सके। मराठवाड़ा का अकाल हो, पश्चिम महाराष्ट्र के गांव की छुआछूत की घटना या शिवसेना में पड़ी दरार, काथे की कई स्टोरी सरकार पर इम्पैक्ट कर गई। प्रसाद काथे ने एक से बढ़कर एक बेहतर फीचर और करंट अफेयर प्रोग्राम को तैयार किया और खुद प्रस्तुत किया, जिसके चलते टीवी पत्रकारिता के योगदान के लिए काथे को अवार्ड भी मिला है। रिपोर्टिंग और स्क्रिप्टिंग में अग्रेसिव प्रोवोक भाषा का इस्तेमाल करने से बचते हैं। कई बड़े राजनेताओं के साक्षात्कार काथे ने लिए। 2009 के विधानसभा चुनाव के वक्त मनसे चीफ राज ठाकरे का विवादित साक्षात्कार, राजनीति की कई कड़वी सच्चाई प्रसाद काथे ने राज ठाकरे के सामने रखी, मनसे चीफ आग बबूला हो उठे। दरअसल साक्षात्कार के दौरान मनसे चीफ ने प्रसाद को प्रोवोक करने की काफ़ी कोशिश की थी, किंतु प्रसाद ने सूझबूझ, संयम, शांत, विनम्रता दिखाकर इंटरव्यू को अंजाम दिया। एक टीवी पत्रकार की यही खासियत है। सॉफ्ट स्टोरी की रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग, पैकेजिंग एवं प्रस्तुतिकरण करना मुश्किल चुनौती है। यह चुनौती तब और भी बढ़ जाती है जब वो खबर राजनीति से जुड़ी हो। वाकई सॉफ्ट रिपोर्टिंग, स्क्रिप्टिंग और प्रस्तुतिकरण में महारत हासिल है मुंबई के NDTV पत्रकार प्रसाद काथे को।